ओ हेलो बाबर भाई, इधर आना। हे शाहीन भाई, इधर आओ। शादाब, आमिर, इमाद, अरे इधर आओ यार। तुमको $25 दिया हमने, हल्के में ले रहे हो? पैसा दिए, फोटो खिंचवा के जाइए, साथ में बैठो, खाना खाओ। बाबर आजम और ये जितने भी आजम फाजम गौरी गजनवी जितने भी हैं, ये औरंगजेब जितने भी थे पाकिस्तानी टीम में, ये बिक गए, लेट गए, $25 के लिए लेट गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अमेरिका के अंदर वाकितन भीख मांग रही है, और भीख भी कितनी? $25। हमारा जो भिखारी है वो अपडेटेड हो गया है, हमारा भिखारी, उसने अपना लेवल अप कर दिया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी अमेरिका हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजे हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, ये वहां पर भीख मांग रहे हैं। हमारा जो भिखारी है वो अपडेटेड हो गया है, हमारा भिखारी, उसने अपना लेवल अप कर दिया है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी अमेरिका हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजे हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, ये वहां पर भीख मांग रहे हैं। लिटरली कटोरा लेकर ऐसे ऐसे करके भीख मांग रहे हैं, ये वहां पर पैसे मांग रहे हैं, इनके पास वहां पर कशकोल है। मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये क्या इन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ शुरू कर रखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भिखारी बना दिया है? ये वहां पर अल्लाह के नाम पर दे दे, उसके नाम पर दे दे, उसके नाम पर दे दे, ये वाकितन हुआ है। मैं पहले इस खबर के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स ने सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया, लेकिन बाद में मैंने जब राशिद लतीफ साहब का इसके ऊपर आर्गुमेंट सुना तो मैं दंग रह गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अमरीका के अंदर वाकितन भीख मांग रही है, और भीख भी कितनी? $25, यानी कि 4-5 हजार, 5-5 हजार रुपया बनता है। ये चिंदी चोर निकले हैं, ये पाकिस्तानी स्टार्स नहीं है, बल्कि ये चिंदी चोर निकले हैं, जिन्होंने हमारी तर्जुमानी करनी थी, ये वहां पर जाकर भीख मांग रहे हैं। ये कहने खुदा, अब अल्लाह रहम करे, ये कहीं वहां पर तेल ना बेचना शुरू कर दें, या चड्डी बनियान ना बेचना शुरू कर दें, जिस तरह की हरकतें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने शुरू करवाई जाती है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक प्राइवेट डिनर पर गई है, एक सरकारी दौरे पर गई हुई, जो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट खेलने गई हुई है, वहां पर ये प्राइवेट डिनर पर गए हैं। ये ऑफिशियल डिनर नहीं था, ये प्राइवेट डिनर है, और वहां पर बाकायदा लिखा गया कि मीट एंड ग्रीट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, यानी कि आपने सिर्फ $25 देने हैं, और आपने कहना बाबर पीछे हो, और रिजवान बोटी ये ले, वो बोटी ले, और ये शाहीन बॉलिंग करके दिखा, यानी ये लिटरली आपने सब कुछ करना है। और ऐसा हुआ है अमेरिका के अंदर, प्राइवेट डिनर हुआ है, और वहां पर बाकायदा से $25 मुख्तस किए गए कि जो बंदा इस डिनर को ज्वाइन करना चाहते $25 दे और देकर आ जाए। ये कोई चैरिटी नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर कोई तूफान नहीं आया हुआ, कोई जलजला नहीं आया हुआ, ये कोई वेलफेयर का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये प्राइवेट डिनर ऑफिशियल डिनर से हटकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस्तेमाल करते हुए, खिलाड़ियों को सामने रखते हुए, वहां पर $25 की भीख मांगी गई है। दुनिया थूक रही है इस हरकत पर, शर्मिंदगी है, इट्स वेरी सैड। ये बात समझें कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर क्रिकेट शामिल है, दुनिया क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखती है। आपके क्रिकेटर्स ये सिर्फ गेंद बैट के साथ नहीं खेलते, ये आपकी तर्जुमानी करते हैं। पाकिस्तान का बैन अल-अक़वामी तारुफ ही क्रिकेट है, क्रिकेटर्स हमारा इंट्रोडक्शन है पूरी दुनिया भर में, नहीं तो दुनिया हमें दो ही वजहों से, वजहों की वजह से जानती है, एक तो भिखारीपन है हम मांगते हैं पूरी दुनिया से, और दूसरी आप जानते हैं, बताना जरूरी नहीं है भाइयों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, और USA के साथ साथ वेस्ट इंडीज भी दुनिया के सारे क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत करने के लिए रेडी है। हमारी भारतीय टीम भी इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आयरलैंड को महज 96 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने इस जीत को हासिल कर लिया है। पर हमारा पड़ोसी मुल्क जहां जाता है वहां अपना नाम खराब करता है, और ऐसी एक वारदात हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ अमेरिका में। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में आ चुकी है, और आज उनका एक मैच चल रहा है। पर दो दिन पहले कुछ खबर आती है जहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, और बाद में कुछ ऐसे फोटोज और वीडियो सामने आते हैं, और जब मीडिया में बात चलती है कि फैंस को अगर पाकिस्तानी प्लेयर से मिलना है, उनके साथ खाना खाना है, या फिर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, उनके साथ ऑटोग्राफ लेना है, तो सिर्फ आप $25 रुपये देकर उनसे ये सब करा सकते हैं। जी हाँ, मात्र $25, मतलब लगभग केवल 3,000 रुपये के दरमियान इस अमाउंट को देकर आप पाकिस्तानी प्लेयर के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी एक खबर मीडिया में चल रही है, और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ये खबर जब से सोशल मीडिया में वायरल होती है, पाकिस्तानी टीम की जो बची कुची इज्जत थी वो भी पूरी निकल चुकी है। सोशल मीडिया पे लोग
पाकिस्तानी टीम को भर भर के गालियां दे रहे हैं। खुद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी टीम को बस माँ बहन की गाली छोड़कर बाकी सब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये टीम जहां भी जाती है हमारा नाम खराब करती है। ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम कई कारणों की वजह से बहुत ही खराब है और क्रिकेट भी बचा कुचा बाकी है पाकिस्तान में, और ये क्रिकेट के प्लेयर्स ऐसी हरकतें करते हैं महज $25 के लिए। ये देखकर पाकिस्तानी लोगों को काफ़ी ताज्जुब होता है, गुस्सा भी आता है और वो काफ़ी आलोचना भी करते हैं। पिछले दो दिनों से ये खबर जब से आई है तब से इंटरनेशनल मीडिया सहित पाकिस्तानी टीम की काफ़ी तुतू हुई है और पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर्स तो जैसे स्टूडियो से उठकर सीधा अमेरिका जाएंगे उनको मारने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। महज $25, जी हाँ $25 तो कोई अमेरिकी एक घंटे में कमा लेता है। इतनी छोटी रकम में पाकिस्तानी टीम के साथ आप इतना कुछ कर सकते हैं। यही है पाकिस्तान की असली हालत, यही है पाकिस्तानियों की असली हालत, जो नामात्र छोटे रुपए के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड तो काफ़ी गया गुजरा है। वो शायद पाकिस्तानी टीम मेंबर्स को पेमेंट देते भी कि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं देते हैं। इसके लिए $25 के लिए उन्हें इतना कुछ करना पड़ता है। हमारे भारत में तो 3000 का टिकट तो कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। जी हाँ IPL के दरमियान और दूसरे क्रिकेट मैचेस के दरमियान 3000 के शुल्क तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के लोग 15-15, 20-20 हज़ार के टिकट लेते हैं बस हमारे सुपरस्टार्स को देखने के लिए, वो भी 100 मीटर की दूरी से। और आप बस $25 देकर पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर के साथ इतना कुछ कर सकते हैं, ये काफ़ी हास्यास्पद बात है। और पूरे भारतवर्ष में इस बात की काफ़ी किल्ली उड़ाई जा रही है और भारतीय लोग इस बात का काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। पर पाकिस्तान ने हमेशा से ही इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का नाम काफ़ी ख़राब किया है। हमेशा से भारत को ब्लेम करते आया हुआ पाकिस्तान हर बार ऐसा कुछ कर लेता है कि उसकी बची कुछ इज्जत भी चली जाती है। जी हाँ, और ये बात कुछ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे पाकिस्तानियों को फिर से एक बार शर्मिंदा होना पड़ता है, और इसमें शर्मिंदा करने के लिए पाकिस्तानी टीम ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अब आने वाले क्रिकेट में ये कैसा परफॉर्म करते हैं हमें तो पता नहीं, पर ये बात का पता चल गया कि ये वर्ल्ड कप के लिए नहीं है तो बस पैसे कमाने के लिए अमेरिका गए हैं और शायद अच्छी दौलत कमाकर $25-25 में खुद को बेचकर अच्छी खासी रकम लाएंगे और पाकिस्तान का जो इतना बड़ा कर्जा है शायद उसे कम करने में उनकी मदद भी करें, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आने वाले समय में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और क्या क्या करने वाली है इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है, पर हम भारतीय लोगों को ये बातें सुनकर काफ़ी मज़ा भी आएगा और पाकिस्तानी टीम हमें निराश नहीं करेगी, इस बात पर हमें काफ़ी श्योरिटी है। आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम काफ़ी अच्छा करेगी। हमारी तरफ से भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्द से जल्द वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए हमारे कप्तान रोहित शर्मा के अंडर अच्छा परफॉर्म करते हुए हम इस वर्ल्ड कप को इस बार जरूर घर पे लाए। पिछले 10-12 सालों से हमने कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है और ये काफ़ी गोल्डन चांस है भारत को इतने सारे अच्छे प्लेयर के साथ खेलकर वर्ल्ड कप को घर लाने के लिए।